नमस्ते साथियों, मिशन अंकुर के लक्ष्य इस वीडियो की यही विषय वस्तु है और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों के लिए मिशन अंकुर के कौन कौन से लक्ष्य हैं। साथियों, सामान्य तौर से हम देखें तो कक्षा एक और दो के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वो है बच्चों में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और जीवन के बुनियादी कौशलों का विकास करना। ठीक है, यही मुख्य लक्ष्य है। और हम बात करें भाषा और गणित की तो भाषा और गणित के अंतर्गत दो दो लक्ष्यों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो लक्ष्य है भाषा को समझ के साथ में पढ़ना। साथियों, यह सबसे प्रमुख लक्ष्य है। जब कोई बच्चा किसी विषय वस्तु को, किसी पाठ को समझ समझ के साथ पढ़ने लगता है, अर्थात समझ कर पढ़ने लगता है उसका भाव क्या है, तब उसका पढ़ना सार्थक माना जाता है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि बच्चा समझ के साथ पढ़ रहा है, किंतु एक विद्यार्थी पढ़ तो रहा है किंतु उसके अंदर जो लिखी हुई बात है, भाव है, उसको समझ ही नहीं रहा है, तो फिर समझ के साथ पढ़ना नहीं होगा। और हम शिक्षक साथियों को यही सिखाना आवश्यक भी है और इसके लिए हमको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले ध्वनि जागरूकता, फिर वर्ण या मात्रा पहचान, इसके पश्चात बच्चों के अंदर शब्द भंडार, फिर डिकोडिंग करना और पठन कौशल विकसित करना, ये इसके लक्ष्य हैं। अगले लक्ष्य की हम बात करें साथियों तो भाषा का लेखन, अर्थात लेखन ये प्रमुख लक्ष्य है। तो साथियों, आशय लेखन का क्या है कि स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करना, यानी कुमला की कोई भी जानकारी है, बात है, उसको लिख करके प्रस्तुत करना, ये कहलाएगा लेखन। ठीक है, जिस तरह से बच्चा समझ कर पढ़ता है उसी तरह से अगर कोई बात को समझ चुका है तो उसको अपने शब्दों में वह लिख करके अभिव्यक्त कर सके, यह लेखन है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति भी मिशन अंकुर का एक लक्ष्य है। तो लेखन में जो है चित्र बनाना, शब्दों में लिखते हुए वाक्य के रूप में लिख पाना, ये सब इसके लक्ष्य है। आइए अब हम बात करते हैं गणित के अंतर्गत साथियों। तो गणित के अंतर्गत लक्ष्य है बुनियादी गणितीय संक्रियाएं। तो साथियों, संक्रिया जैसे कि आपको ज्ञात है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया गया है। ठीक है, तो ये जो संक्रियाएं हैं इनको कर पाना। ठीक है, बुनियादी गणित में संक्रियाओं की समझ एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग केवल संख्याओं का अमूर्त उपयोग ही नहीं होता है, इन संक्रियाओं का जो प्रयोग है दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता है, बहुतात रूप से होता है। और ये जो संक्रियाएं हैं विषय वस्तु के विश्लेषण, वर्णन और जीवन के संदर्भ में सरल समस्याओं के व्याख्यान और समाधान के लिए उपयोगी हैं। तो साथियों, विद्यार्थियों को जो संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों संक्रियाओं की समझ विकसित करना और ताकि बच्चे अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग कर सके और आगे बढ़ सके। अगले हम लक्ष्य की बात करें तो जीवन के बुनियादी कौशल। साथियों, निपुण भारत मिशन के तहत केवल बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि बच्चों को विद्यालय और घर में ऐसा माहौल भी देना है जिससे वे जीवन जीने के कुछ बुनियादी कौशल भी हासिल कर पाएं। इसके लिए बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की गतिविधियाँ करना होगा। तो साथियों, जो मिशन अंकुर का यह भी लक्ष्य है ताकि बच्चे जीवन में भावी नागरिक, एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने स्वयं के विकास के साथ साथ देश का भी विकास कर सके। तो साथियों, इस वीडियो में इन चारों लक्ष्यों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।